Hello kids, how are you? Welcome to today's maths class. Today we will do decimal fractions. You know that 3251 that is equal to 3 into 1000 plus 2 into 100 plus 5 into 10 plus 1. As you can see, that the place value goes multiply by 10 as you move left or divided by 10 as we move right. This system of writing numbers is called the decimal system. Numbers are called decimal numbers. In this system, fraction part less than 1 can be written in a special way using a decimal point. Numbers such as 8 upon 10 is written as 0 0.8 or 0 0.8. We call 0 0.8 a decimal fraction or decimal. Next is writing tenths and decimals. Look at the strip. 1 by 10 of the strip is pink, 2 by 10 is blue, and 3 by 10 of the strip is green. We can write 1 of the strip is pink, 0.1 is read as 0.1 or decimal 1. Similarly, we can write 0.2 of the strip is blue and say 0.2 or the strip is blue. Also, we write 0.3 of the strip is green and say 0.3 of the strip green.

0 0.2 here 3 parts are green out of 10. So we will write 3 upon 10 or we can write 0.3. 110 1 by 10 is equal to 0 0.1 or 0 0.1. 210 2 by 10 is equal to 0 0.2 or 0 0.2. 310 3 by 10 is equal to 0 0.3 or 0 0.3. डेमल पॉइंट सेपरेट द होल नंबर पार्ट फ्रॉम द फ्रैक्शन पार्ट अर असफोर द पॉइंट शो दंबर है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक टेबल गिवन है द टेबल बिलो है यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है फोर बाय टेन फाइव बाई टेन सिक्स बाय टेन डेसिमल में कैसे लिखेंगे? टेन मीन्स एक जीरो है तो राइट एंड साइड से वन डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा सो विल राइट पॉइंट फोर और जीरो पॉइंट फोर फाइव है अगेन एक जीरो है स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड साइड एक डिजिट के बाद विल राइट पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट फाइव सिक्स बाई टेन पॉइंट सिक्स और जीरो पॉइंट सिक्स कैसे रीड करेंगे पॉइंट फोर करेंगे इसको इसको करेंगे पॉइंट फाइव एंड पॉइंट सिक्स Same way 7 by 10 can be written as 0 0.7 or 0 0.7, 8 by 10 can be written as 0 0.8 or 0 0.8, 9 by 10, 0 0.9 or 0 0.9, 10 1 by 10s make 1 or 10 0.1s make 1. Next is writing hundreds as decimal. the big square is divided into 100 small square one square out of 100 is red so 1 upon 100 or one hundred of a big square is red we can write this as point zero 0.01 of the big square is red point zero 0.01 is read as point zero 0.01 100 1 upon 100 is equal to point zero 0.01 or क्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन यहाँ पे एक बिग स्क्वायर है दैट इज डिवाइडेड इनटू हंड्रेड स्मॉल स्क्वायर एंड आउट ऑफ दैट वन इज रेड तो हम रेड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वन अपॉन हंड्रेड और वी कैन राइट वन अपॉन हंड्रेड दैट इज इक्वल्स टू पॉइंट जीरो वन और जीरो पॉइंट जीरो वन यहाँ पे हंड्रेड में से क्या है एट स्क्वायर जो है दैट आर ब्लू तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एट अपॉन हंड्रेड और वी कैन राइट पॉइंट जीरो एट और जीरो पॉइंट जीरो एट नाइन हंड्रेड्स नाइन अपॉन हंड्रेड दैट इज इक्व टू पॉइंट जीरो नाइन और इक्व टू ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन नाइन अपॉन हंड्रेड हंड्रेड में कितने ज़ीरो है टू तो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे टू डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा बट यहाँ पे वन है तो हम एक और जीरो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट जीरो नाइन 0 0.08 is read as 0 0.08 and 0 0.09 is read as 0 0.09. The table below has hundreds written as decimal. Table mein aapko fraction given in 2 upon 100, 3 upon 100, and 4 upon 100. 2 upon 100 kasile king decimal mein? 0 0.02 or 0.02. Kasi read karenge? 0 0.02. 3 upon 100

इन टू वन अपॉन हंड्रेड क्या हो जाएगा दैट इज़ इक्वल वन. नाउ और हंड्रेड पॉइंट जीरो मेक वन. कैसे? हम लिखेंगे हंड्रेड इन टू पॉइंट जीरो वन तो क्या हो जाएगा वन अंडरस्टैंड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज राइटिंग थाउजेंड्स डेसिमल द ब्लॉक हैज था स्क्वायर वन स्क्वायर आउट ऑफ थाउजेंड इज ग्रीन और वन थाउजेंड ऑफ द ब्लॉक इज ग्रीन वन थाउजेंड दैट इज इक्व टू वन अपन थाउजेंड कितने जीरो थाउजेंड में थ्री तो राइट एंड साइड से थ्री डिजिट के बाद डेस्टिमल लगेगा वन टू थ्री तो हम लिखेंगे पॉइंट जीरो जीरो वन और जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन पॉइंट ज़ीरो जीरो वन

पॉइंट जीरो जीरो थ्री को हम कैसे पढ़ेंगे पॉइंट जीरो जीरो थ्री थाउजेंड वन अपॉन थाउजेंड मेक वन एंड थाउजेंड पॉइंट जीरो जीरो नाइक टेन हंड्रेड और थाउजेंड एज डेसिमल्स पोजिशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू वन प्लस नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर टू पोजीशन द डेसिमल पॉइंट करेक्टली यू मे हैव टू फिल जीरोज एज शोन बिलो कैसे लिखना है? फाइव अपॉन टेन इज रिटर्न एज पॉइंट फाइव जीरो इन द डिनोमिनेटर कितने जीरो है वन तो हम वन राइट एंड साइड से वन डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे पोजिशन ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगी वन प्लस वन दैट इज टू फ्रॉम द राइट पहले ये आएगा फिर डेसिमल आएगा फोर अपॉन टेन क्या हो जाएगा पॉइंट जीरो फोर जीरो इन द डिनोमिनेटर कितने जीरो हैं टू तो पोजिशन पॉइंट क्या हो जाएगा वन प्लस टू थर्ड वन टू एंड थर्ड नंबर पे क्या आएगा डेसिमल देन सिक्स अपॉन थाउजेंड इज रिटर्न एज पॉइंट जीरो जीरो सिक्स कितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में थ्री तो पोजिशन क्या हो जाएगी डेसीमल की थ्री प्लस वन दैट इज फोर तो वन टू थ्री एंड फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा डेसिमल तो इस तरीके से हमें डेसिमल लगाना है ये एक्सरसाइज आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड्स हाउ डू वी राइट अ डेसिमल ऑन लेट इज लुक एट द फ्यू एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं वन अपॉन टेन एंड टू अपॉन हंड्रेड टुगेदर साथ में है हमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे वन अपॉन टेन एंड टू अपॉन हंड्रेड हमने फ्रैक्शन पढ़े थे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम करेंगे फॉर दैट वी विल टेक एल्सीय तो एल्सीय क्या हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा और आप यहाँ क्या कीजिए वन अपॉन टेन है इसको ऊपर नीचे टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन अपॉन हंड्रेड हो जाएगा दैट टेन अपॉन हंड्रेड एंड टू अपॉन हंड्रेड तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम हो गया डिनोमिनेटर को एस इट इज लिख देंगे एंड न्यूमरेटर को ऐड करेंगे टेन प्लस टू तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे पॉइंट वन टू डिनोमीटर ज़ीरो डेसीमल पॉइंट थर्ड फ्रॉम द राइट वन टू थ्री थ्री के बाद डेसिमल आ जाएगा थर्ड पोजिशन पे टू डिजिट के बाद आएगा एंड पोजिशन क्या होगी थर्ड नंबर पे तो इस तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट इज़ थ्री अपॉन हंड्रेड एंड फाइव अपॉन थाउजेंड अगेन डिनोमीटर सेम करना है आप थ्री अपॉन हंड्रेड को ऊपर नीचे दोनों साइड टेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थर्टी अपॉन थाउजेंड दोनों का डिनोमीटर सेम हो जाएगा फिर हम ऐड करेंगे थर्टी अपॉन थाउजेंड प्लस फाइव अपन थाउजेंड दैट इज थर्टी प्लस फाइव अपॉन थाउजेंड थर्टी फाइव अपॉन थाउजेंड को कैसे लिखेंगे पॉइंट ज़ीरो थ्री फाइव अगेन आप देखिए डिनोमिनेटर पर थ्री जीरो है तो पोजीशन क्या हो जाएगी डेसिमल की थ्री प्लस वन फोर्थ राइट हैंड साइड से फोर्थ नंबर पे वन टू थ्री एंड फोर्थ नंबर पे डेसिमल आ जाएगा नेक्स्ट है हमारा फोर अपॉन टेन फाइव अपॉन हंड्रेड एंड सेवन अपॉन थाउजेंड टुगेदर हमें क्या करना है इनको एड करना है अब देखिए सबसे ज़्यादा कितने थ्री ज़ीरो हैं तो हम क्या करेंगे फोर अपॉन टेन को करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा फोर हंड्रेड अपॉन थाउजेंड फाइव अपॉन हंड्रेड को करेंगे टेन से तो फिफ्टी अपॉन थाउजेंड अब डिनिनेटर सबका सेम हो गया है नाउ वी विल एड फोर हंड्रेड अपॉन थाउजेंड प्लस फिफ्टी अपॉन थाउजेंड प्लस सेवन अपॉन थाउजेंड डिनोमिनेटर सेम है एज इट इज़ लिख देंगे थाउजेंड को ऐड करेंगे फोर हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस सेवन दैट इज फोर फिफ्टी सेवन अपॉन थाउजेंड उसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे पॉइंट फोर फाइव सेवन पॉइंट वन टू इज द पॉइंट वन टू नॉट पॉइंट ट्वेल्व के बाद जो डिजिट पढ़ते हैं उनको सेपरेटली पढ़ते हैं हम इसको पॉइंट ट्वेल्व नहीं पढ़ेंगे पॉइंट वन टू पढ़ेंगे पॉइंट जीरो थ्री फाइव इज पॉइंट जीरो थ्री फाइव नॉट पॉइंट जीरो थर्टी फाइव अंडरस्टैंड पॉइंट फोर फाइव सेवन इज पॉइंट फोर फाइव सेवन नॉट पॉइंट फोर फिफ्टी सेवन वी सेच फिगर आफ्टर द डेसिमल सेटली डेसीमल के बाद जितने भी नंबर आते हैं हम उसको कैसे रीड करते हैं सेपरेटली रीड करते हैं अंडरस्टेंड इस तरीके से हमें डेसीमल को रीड करना है नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन एज डेमल नंबर्स मिक्स फ्रैक्शन सच एज टू वन बाई टेन हेज टू पार्ट एंड इंटरगल पार्ट टू टू क्या है यहां पे होल पार्ट है एंड द फ्रैक्शन पार्ट दैट इज वन अपॉन टेन एज अ डेसिमल नंबर सच नंबर हैव अ डेसिमल पॉइंट सेपरेटिंग द इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट इन टू वन अपॉन टेन द फ्रैक्शन पार्ट इज वन अपॉन टेन दैट इज इक्वस टू पॉइंट वन सो विल राइट टू वन अपॉन टेन इज इक्व टू टू पॉइंट वन सिमिलरली हमारा मिक्स फ्रैक्शन था ये टू वन अपॉन टेन तो टू क्या है यहाँ पे होल पार्ट है एंड वन बाई टेन को वी कैन राइट पॉइंट वन तो लिखेंगे टू प्लस वन पॉइंट वन दैट इज टू पॉइंट वन सिमिलरली फाइव सिक्स अपॉन हंड्रेड फाइव क्या है हमारा होल पार्ट सिक्स अपॉन हंड्रेड को वी कैन राइट पॉइंट ज़ीरो सिक्स तो हो जाएगा फाइव पॉइंट ज़ीरो सिक्स टू फोर्टीन बाई हंड्रेड क्या हो जाएगा टू पॉइंट वन फोर थाउजेंड सेक्स हमारा होल पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा इसको हम डेसिमल लगाएंगे तो हो जाएगा सिक्स पॉइंट फाइव टू वन अंडरस्टैंड अ मिक्स फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज एन इन प्रॉपर फ्रैक्शन विच कैन बी चेंज टू अ डेसिमल नंबर इजिली कैसे समझते हैं सेवेंटी नाइन अपॉन टेन सेवेंटी क्या है यहाँ पे होल पार्ट है नाइन अपॉन टेन इज फ्रैक्शन पार्ट तो यू कैन राइट सेवेंटी इन टेन प्लस नाइन अपॉन हंड्रेड तो ये कितना हो जाएगा सेवन हंड्रेड नाइन अपॉन टेन दैट इज इक्वल टू सेवेंटी पॉइंट नाइन नेक्स्ट हमारा एट थर्टी नाइन अपॉन थाउजेंड तो कितना हो जाएगा एट थाउजेंड थर्टी नाइन अपॉन थाउजेंड तो हम लिखेंगे एट पॉइंट जीरो थ्री नाइन अंडस्टेन थर्टी सिक्स थर्टीन अपॉन हंड्रेड तो हम लिखेंगे थर्टी सिक्स थर्टीन अपॉन हंड्रेड वो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन वन थ्री अंडरस्टैंड नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू इन डेसिमल अब हम डेसिमल में प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं वो समझेंगे यू नो दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट गेट मल्टीप्लाई बाय टेन एज वी मूव टू द लेफ्ट एंड डिवाइडेड बाय टेन एज वी मूव राइट दिस इज ट्रू

हंड्रेड थाउजेंड. टेंथ का मतलब है वन अपॉन टेन हंड्रेड का वन अपॉन हंड्रेड थाउजेंड का वन अपॉन थाउजेंड थ्री क्या है हमारी वंस की प्लेस पे थ्री है तो हम थ्री लिख देंगे सिक्स को हमने लिखा गया सिक्स अपॉन टेन तो सिक्स क्या हमारा टेंथ प्लेस पे. तो सिक्स को हम यहाँ लिख देंगे अंडरस्टैंड प्लेस वैल्यू थ्री की थ्री हो जाएगी सिक्स की क्या हो जाएगी सिक्स अपॉन टेन और पॉइंट सिक्स और प्लेस वैल्यू थ्री और पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स नेक्स्ट जीरो पॉइंट सेवन फाइव मीन्स जीरो वंस कितने वंस है डेसिमल से पहले देखेंगे हम जीरो तो जीरो वंस हो गए सेवन टेंथ हो गया एंड फाइव हंड्रेड और वी कैन राइट जीरो प्लस सेवन अपॉन टेन प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड जीरो पॉइंट सेवन फाइव ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे करेंगे वंस की प्लेस पर क्या है हमारा जीरो वी विल राइट ज़ीरो टें की प्लेस पे सेवन हंड्रेड की प्लेस पे फाइव प्लेस वैल्यू चार्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं जीरो सेवन अपॉन टेन फाइव अपॉन हंड्रेड तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव और जीरो प्लस यहाँ पे पॉइंट सेवन एंड पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव फाइव पॉइंट थ्री सिक्स फोर मीन्स फाइव वंस इसमें कितने डेसिबल से पहले जो है एक डिजिट है मतलब फाइव वंस है थ्री क्या हो जाएगा टेंथ सिक्स हंड्रेड्स एंड फोर थाउजेंड्स कैसे लिखेंगे हम इसको फाइव प्लस थ्री अपॉन टेन प्लस सिक्स अपॉन हंड्रेड प्लस फोर अपॉन थाउजेंड प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे अरेंज करेंगे वंस की प्लेस पर फाइव लिखेंगे टेंथ की प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है तो उसको छोड़ देंगे देन टेंथ की प्लेस पर क्या है थ्री हंड्रेड की प्लेस पर सिक्स एंड थाउजेंड की प्लेस पर है फोर और वैल्यू चार्ट में हम भी लिख सकते हैं फाइव प्लस थ्री अपॉन्ट टेन सिक्स अपॉन हंड्रेड एंड फोर अपॉन थाउजेंड और वी कैन राइट फाइव पॉइंट थ्री सिक्स फोर अंडरस्टैंड नेक्स्ट एक और एग्जांपल है उसको समझते हैं ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन जीरो सेवन मीन्स टू क्या है टेंट वन नाइन टें जीरो हंड्रेड एंड सेवन थाउजेंड्स तो हम इसको कैसे लिखेंगे टू टेंथ से तो ट्वेंटी हो जाएगा प्लस एट प्लस नाइन अपॉन टेन प्लस ज़ीरो अपॉन हंड्रेड प्लस सेवन अपॉन थाउजेंड प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखेंगे टेंथ की प्लेस पे क्या है टू वंस की प्लेस पे एट है टेंथ की प्लेस पे क्या हमारा नाइन हंड्रेड की प्लेस पे जीरो एंड थाउजेंड की प्लेस पे सेवन और वी कैन राइट ट्वेंटी प्लस एट प्लस नाइन अपॉन टेन जीरो अपन हंड्रेड एंड सेवन अपॉन थाउजेंड तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन जीरो सेवन तो इस तरीके से हमें डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू चार्ट पे अरेंज करना है नेक्स्ट इज इक्वल इसको समझते हैं पॉइंट फोर को हम कैसे लिख सकते हैं फोर अपॉन टेन पॉइंट फोर जीरो को कैसे लिखेंगे फोर अपॉन टेन प्लस जीरो अपॉन हंड्रेड तो क्या हो जाएगा फोर अपॉन टेन प्लस जीरो ये क्या हो जाएगा अगेन फोर अपॉन टेन सेम है पॉइंट फोर ज़ीरो जीरो तो क्या हो जाएगा फोर अपॉन टेन प्लस ज़ीरो अपॉन हंड्रेड प्लस जीरो अपॉन थाउजेंड तो इन दोनों की वैल्यू तो क्या हो जाएगी ज़ीरो इसकी और इसकी तो फोर अपॉन टेन बच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन फोर अपॉन टेन पॉइंट फोर ज़ीरो पॉइंट फोर और पॉइंट फोर जीरो जीरो ये तीनों क्या है इक्वल फ्रैक्शन है सेम है सेम पॉइंट जीरो नाइन है तो ज़ीरो अपॉन्ट टेन हो जाएगा नाइन अपॉन हंड्रेड तो ये जाएगा ज़ीरो प्लस नाइन अपॉन हंड्रेड यानी नाइन अपॉन हंड्रेड हो गया और पॉइंट ज़ीरो नाइन ज़ीरो देखिए तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो अपॉन टेन नाइन अपॉन हंड्रेड एंड जीरो अपॉन थाउजेंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो इसकी हो जाएगी पॉइंट ज़ीरो नाइन और इसकी ज़ीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा नाइन अपॉन हंड्रेड और पॉइंट जीरो नाइन जीरो ज़ीरो जीरो पॉइंट टेन नाइन अपॉन हंड्रेड जीरो पॉइंट थाउजेंड एंड जीरो पॉइंट टेन थाउजेंड अगेन इन तीनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या बच जाएगा नाइन अपॉन हंड्रेड तो पॉइंट ज़ीरो नाइन ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन ज़ीरो ज़ीरो और पॉइंट जीरो नाइन ऑल दीज आर इक्वेंट पॉइंट फाइव को कैसे लगेंगे फाइव अपॉइन्ट टेन पॉइंट फाइव दैट इज़ क्वल टू जीरो प्लस फाइव पॉइंट टेन जीरो का मतलब क्या हो गया जो ये डिजिट है की प्लेस पे वो जीरो है फाइव फाइव टेन टेन को हम क्या लिख सकते हैं सो so, जी ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव तो क्या पता चला जीरो एट ईदर एंड ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेसीमल फ्रैक्शन अगर हम इसके बाद कितने भी ज़ीरो ऐड करें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी चेंज नहीं होगी एग्जाम्पल लेते हैं राइट एज अ कॉमन फ्रैक्शन फर्स्ट हमारा है ज़ीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स ज़ीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स को हम क्या लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है थ्री डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा थाउजेंड डेसिमल हम हटाएंगे तो क्या होता है जैसे पॉइंट वन फाइव सिक्स है तो क्या होता है डेसिमल के बाद कितने डिजिट है थ्री डिजिट तो हम जब डेसिमल हटाते हैं तो उसके नीचे जितने भी डिजिट है उतने जीरो लग जाते हैं तो ये हो जाएगा वन फिफ्टी सिक्स अपॉन थाउजेंड द नंबर पॉइंट थ्री द नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट कितनी है टू तो हम इसको कैसे लिखेंगे द डिनिटर क्या हो जाएगा हंड्रेड थर्टी फोर अपॉन हंड्रेड नेक्स्ट इज 5.090 अब देखिए 090 9 जीरो जीरो नाइन जीरो नाइन के पास जीरो कोई वैल्यू नहीं है द नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट कितनी हो जाएगी टू या 5.09 में ये टू हो जाएंगी तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा 509 जीरो नाइन अपॉन हंड्रेड राइट द नंबर विदाउट द जीरो एंड नेक्स्ट है दिस नंबर विद द डेसिमल पॉइंट रिमूव द डिमिनेटर डिनोमेटर राइट वन फॉलोड बाय जीरो फॉर ईच डिजिट ऑफ डेसिमल पार्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम राइट फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो नाइन एट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म अब हमें यहाँ पे क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे ये क्या है यहां पे फोर्टी फाइव है मीन्स फोर्टी प्लस फाइव तो हम इसे लिखेंगे फोर्टी प्लस फाइव अब डेसिमल के बाद क्या है जीरो नाइन एट तो ये जीरो क्या हो जाएगा अपॉन टेन नाइन अपॉन हंड्रेड एंड एट अपॉन थाउजेंड फोर्टी फाइव पॉइंट जीरो नाइन एट कैन बी रिटर्न एज फोर्टी प्लस फाइव प्लस जीरो प्लस पॉइंट जीरो नाइन प्लस पॉइंट जीरो ज़ीरो एट अंडरस्टैंड कैसे लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है राइट सेवन प्लस थ्री अपॉन टेन प्लस टू अपॉन हंड्रेड इन शॉर्ट फॉर्म में तो क्या हो जाएगा सेवन प्लस थ्री अपॉन टेन प्लस टू अपॉन हंड्रेड तो क्या हो जाएगा सेवन प्लस पॉइंट थ्री टू अपॉन हंड्रेड क्या हो जाएगा पॉइंट जीरो टू तो हमें लिखेंगे सेवन पॉइंट थ्री टू नेक्स्ट इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल नंबर्स कैसे कंपेयर करना है डेसिमल नंबर को वो समझेंगे टू कंपेयर डेसिमल नंबर मूव लेफ्ट टू राइट कंपेयरिंग द डिजिट एट ईच प्लेस इफ़ द डिजिट एट द प्लेस आर इक्वल कंपेयर द डिजिट एट नेक्स्ट प्लेस ऑन द राइट कैसे कंपेयर करेंगे वो समझेंगे देखिए ये वंस की प्लेस पे, ये टेंथ देन अगेन वंस ये टेंथ इसमें क्या है ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट नाइन ये हो जाएगा सेवन पॉइंट वन अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे वंस की प्लेस में यहाँ पे है सिक्स और यहाँ पर है सेवन तो क्लियर है कि सेवन इज ग्रेटर देन सिक्स तो सेवन पॉइंट वन इज ग्रेटर देन सिक्स पॉइंट नाइन ईजी नेक्स्ट हम लेते हैं ये नंबर क्या हो जाएगा वंस की प्लेस पे फाइव है और टेंथ की प्लेस पे है नाइन फाइव पॉइंट नाइन ये नंबर हो जाएगा थर्टी वन पॉइंट फोर अगेन अगर आप देखेंगे वंस की प्लेस पे जो डिजिट है और टेंथ की प्लेस पे क्या पे 0 है यहाँ पे जीरो है यहाँ पे थ्री है तो थर्टी वन पॉइंट फोर इज ग्रेटर देन फाइव पॉइंट नाइन नेक्स्ट में क्या है वंस की प्लेस पे टू है एंड टेंस की प्लेस पे फाइव है तो टू पॉइंट फाइव हो जाएगा और ये हो जाएगा टू पॉइंट वन अब देखिए दोनों में वंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम है तो हम क्या कंपेयर करेंगे जो टेंथ की प्लेस पे डिजिट है यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे वन है तो क्या हो जाएगा टू पॉइंट फाइव इज ग्रेटर देन टू पॉइंट वन नेक्स्ट टेंथ की प्लेस पे फोर वंस की प्लेस पे सेवन टेंथ की प्लेस पे थ्री एंड हंड्रेड की प्लेस पे है नाइन तो ये हो जाएगा फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री और ये नंबर हो जाएगा 47.35 अगेन टेंथ की प्लेस पे दोनों में डिजिट सेम है वंस की प्लेस पे भी दोनों में सेम है 77 अब हम कंपेयर करेंगे टेंथ की प्लेस पे टेंथ की प्लेस में भी दोनों में थ्री है ये भी सेम है नाउ हंड्रेड्स हंड्रेड की प्लेस पे यहाँ पे नाइन है और यहाँ पे फाइव है नाइन इज ग्रेटर देन फाइव तो फोर्टी इज ग्रेटर देन फोर्टी क्लियर एक और एग्जाम्पल लेते हैं ये हो जाएगा नाइन ये नंबर हो जाएगा नाइन पॉइंट एट फोर सेवन अगेन सबसे पहले वंस की प्लेस पे दोनों में सेम है नाइन नाइन देन टेंथ की प्लेस पे दोनों में एट है हंड्रेड की प्लेस पे दोनों में फोर है देन वी विल मूव टू थाउजेंड प्लेस यहाँ पे क्या थाउजेंड की प्लेस पे जीरो और यहाँ पे सेवन तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा सो नाइन पॉइंट एट फोर सेवन इज ग्रेटर देन नाइन पॉइंट एट फोर अंडरस्टैंड नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अरेंज जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट सिक्स पॉइंट टू जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो नाइन जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है टू डिजिट के बाद डेसिमल है यहां पे वन के बाद यहाँ पे टू के बाद यहाँ पे थ्री एंड यहाँ पे थ्री तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वलेंट डेसिमल नंबर करेंगे मतलब सब में एक जैसे नंबर्स के बाद डेसिमल लगाओ मैक्सिमम कितना है थ्री तो हम इसको भी थ्री बना देंगे कैसे यहां पे अगर जीरो ऐड कर दें पॉइंट जीरो फाइव जीरो ये हो जाएगा पॉइंट सिक्स जीरो जीरो इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है पॉइंट टू एंड पॉइंट अब हम कंपेयर करना शुरू करेंगे सबसे छोटा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टेंथ की प्लेस से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्या है ज़ीरो पे सिक्स है यहाँ पे टू है इसमें भी ज़ीरो है और इसमें भी ज़ीरो है ठीक है नेक्स्ट सेम हो गया नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे इसमें क्या है फाइव है इसमें क्या है ज़ीरो इसमें एट है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा तो हम लिखेंगे पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो नाइन उसके बाद क्या आ जाएगा पॉइंट ज़ीरो फाइव ज़ीरो फिर पॉइंट ज़ीरो एट ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो ज़ीरो एंड पॉइंट सिक्स ज़ीरो ज़ीरो और पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो नाइन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट ज़ीरो पॉइंट टू ज़ीरो एंड पॉइंट सिक्स तो इस तरीके से हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे नेक्स्ट एक्जाम्पल लेते हैं अरेंज थ्री पॉइंट वन नाइन नाइन थ्री पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट जीरो थ्री फाइव एंड पॉइंट थ्री एंड पॉइंट ज़ीरो जीरो फाइव इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में बड़े से छोटा तो सबसे पहले देखेंगे हम कि मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद डेसिमल है मैक्सिमम क्या है थ्री डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ पे भी थ्री डिजिट के बाद है यहाँ पे भी तो सबसे पहले इनको इक्वल ड्रेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ये ऑलरेडी 3.199 है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.50 ये हो जाएगा 0.350 ये हो जाएगा 0.035 ये हो जाएगा 0.300 ये हो जाएगा 0.005 अंडरस्टैंड अब इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा सबसे बड़ा जो नंबर होगा इन दोनों में से एक होगा बिकॉज इनमें वंस की प्लेस में यहाँ पर भी थ्री है यहाँ पर भी थ्री है तो टेंथ की प्लेस पर देखेंगे यहाँ पे वन है और यहाँ पर फाइव है तो ये क्या हो जाएगा ये नंबर वन पे आ जाएगा देन ये वाला नंबर आएगा टू पे देन थ्री पे ये आएगा देन फोर पे ये आ जाएगा ये फिफ्थ पे आ जाएगा एंड ये सिक्स पे तो इस तरीके से हमें से अरेंज करना है तो पहले क्या आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव जीरो जीरो फिर आ जाएगा थ्री पॉइंट वन नाइन नाइन उसके बाद पॉइंट थ्री फाइव ज़ीरो दैन पॉइंट थ्री ज़ीरो ज़ीरो दैन पॉइंट ज़ीरो थ्री फाइव दैन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव तो इस तरीके से हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल से पहले क्या है वंस की प्लेस पे या टेंथ की प्लेस पे कोई डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे अगर सेम है तो विल मूव टू टेंथ तो अगेन सेम है तो हंड्रेड तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट इज डेसिमल इन मनी मनी कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज डेसिमल हंड्रेड पैसा दैट इज़ इक्वल टू वन रुपी सो वन पैसा इज अ हंड्रेड पार्ट ऑफ वन रुपी दैट मीन वन पैसा इज इक्वल टू वन अपॉन हंड्रेड रुपीज़ और पॉइंट जीरो वन रुपीज़ फाइव पैसा दैट इज़ फाइव अपॉन हंड्रेड रुपीज़ को कैसे लग सकते हैं पॉइंट जीरो फ़ाइव रुपीज़ टेन पैसा को टेन अपॉन हंड्रेड रुपीज़ दैट इज ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो रुपीज़ सेवेंटी फाइव पैसा को क्या लिखेंगे सेवेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड रुपीज़ ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ फ़ाइव रुपीज़ फ़िफ्टी पैसा फ़ाइव ऑलरेडी रुपीज़ में फिफ्टी पैसा को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे फिफ्टी अपॉन हंड्रेड फिफ्टी अपॉन हंड्रेड को हम लिख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो तो क्या हो जाएगा फाइव पॉइंट फाइव ज़ीरो ट्वेंटी पैसा इज़ रुपीज में कैसे लिखेंगे जीरो पॉइंट टू जीरो रुपीज नॉट जीरो पॉइंट टू बिकॉज ट्वेंटी को ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड करेंगे तो क्या हो जाएगा कितने है? दो जीरो हैं तो दो के बाद डेसिमल आएगा यानी कि ये हो जाएगा पॉइंट टू जीरो रुपीज थ्री एंड सिक्सटी तो थ्री पॉइंट सिक्स जीरो नॉट थ्री पॉइंट सिक्स अंडरस्टैंड इस तरीके से हम मनी में डेसिमल का यूज करते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज डेसिमल्स ऑन अ नंबर स्ट्रिप और नंबर लाइन लुक एट द नंबर स्ट्रिप द गैप बिटवीन टू कजिक्यूटिव मार्ग स्टैंड फॉर वन यहाँ पे क्या दिया गया एक नंबर स्ट्रिप और नंबर लाइन है यहाँ पे क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन द ब्लैक एरो इज एट थ्री जो ब्लैक एरो यहाँ पे किस पे है थ्री पे एंड जो पिंक है वो क्या है फाइव के बाद है फाइव और सिक्स के बीच में है यहाँ पे इट पॉइंट टू द नंबर दैट इज फाइव प्लस अ फ्रैक्शन अ पार्ट दैट इज लेस देन वन टू फाइंड द नंबर इट इज पॉइंटिंग एट लेट इज डिवाइड ईच गैप इंटू टेन इक्वल पार्ट द न्यू स्ट्रेप इज शोन ऑन द नेक्स्ट पेज in the new strip the gap between two consecutive marks stand for 1 by 10 or 0.1 the decimal number between 0 to 2 are shown study them and you will know that how to tell the numbers shown by the smaller mark if it is the 5 5th mark after 1 the number is 1.5 the 7th mark after 9 shown 9.7 and so on the number

उसके बाद कितने स्मॉल डिवीजन है वन टू थ्री फोर ईच पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो वन बाय टेन को रिप्रेजेंट करता है तो फोर बाय टेन मीन्स पॉइंट फोर तो हम इसको कैसे रीड करेंगे फाइव पॉइंट फोर अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग इज द पेंसिल इन अ सेंटीमीटर रूलर वन सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू टेन इक्वल पार्ट सो दर जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर अ पार्ट दैट मीन्स द पेंसिल इज थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर लॉन्ग यहाँ पे पेंसिल गेवन है हमें पेंसिल की लेंथ फाइंड करनी है देखिए तो जीरो से देखेंगे एंड कहाँ पर हो रहा है यहाँ तक है थ्री उसके बाद कितने टू स्मॉल दैट मीन टू अपॉन्ट टेन यानी थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी अंडरस्टैंड यू कैन शो हंड्रेड ऑन द स्ट्रिप बाई डिडिंग द गैप बिटवीन द टेंार्क For example, between 0 and 0 0.1 into 10 equal part. Here the point is 0 0.04. Similarly, you can show thousands by dividing the gap between the hundredth mark. For example, between 0 and 0 0.01 into 10 equal part. Here the pointer is at 0 0.005. strip ये जो एरो है एरोजेंट करेगा पॉइंट जीरो फोर को और यहाँ पे पॉइंट जीरो जीरो फाइव को दॉइंटर आर एट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वन के बीच में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है तो ये करेगा वन टू थ्री फोर यानी फोर अपॉन टेन और वी कैन राइट पॉइंट फोर ये हो जाएगा टू पॉइंट टू ये क्या हो जाएगा सेवन है और एट ये डिवीज़न हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सेवन पॉइंट एट ज़ीरो से पॉइंट वन के बीच में है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव अंडरस्टैंड ज़ीरो से पॉइंट वन के बीच में है ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट ये हो जाएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो थ्री क्योंकि किसके बीच में है ज़ीरो से पॉइंट ज़ीरो वन के बीच में नेक्स्ट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स वी एड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल फ्रैक्शन इन द सेम वे एज वी एड एंड सब्ट्रैक्ट होल नंबर्स रिमेंबर वाइल्ड कैरिंग और बोरोइंग टेन थाउजेंड्स डेट इज इक्व टू वन हंड्रेड टेन हंड्रेड्स इज इक्व टू वन टेंथ एंड टेन इज़ इक्वस टू वन एग्जाम्पल लेते हैं फाइन 1.46 प्लस 0.82 हमें ऐड करना है 1.46, 0.82 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे टेंस की प्लेस में जो डिजिट है उसके नीचे टेंस की प्लेस की ही डिजिट लिखेंगे यहाँ पे 1.46 है और यहाँ पे क्या है 0.82 तो हम लिखेंगे 0.82 पॉइंट एट टू सिक्स प्लस टू हो जाएगा 8 4 प्लस एट होता है 12 हमने 2 लिख दिया 1 कैरी ओवर हो गया हमारा 1 प्लस वन टू तो ये हो जाएगा 2.28 पॉइंट टू एट फोर प्लस एट दैट इज ट्वेल्व यानी टेन प्लस टू टेंथ कितने हो जाएंगे वन राइट टू एंड कैरी वन यहाँ पे जैसे हमने वन को क्या किया था कैरी किया था फाइंड 18.36 पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट थ्री प्लस थ्री हमें इनको ऐड करना मेक श्योर दैट द डेसिमल पॉइंट आर इन लाइन डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है टेंथ्स के नीचे हमेशा टेंथ्स का लिखना है हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड वंस के नीचे वंस टेंथ्स के नीचे टेंथ्स तो ये कितना 18.36 पॉइंट यहाँ पे क्या है पॉइंट तो हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे 305 लिखेंगे नेक्स्ट इज 310.45 इस तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो लगा दीजिए अब ऐड करना स्टार्ट करेंगे ये हो जाएगा फाइव सिक्स प्लस फाइव हो जाएगा अलेवन वन लिख देंगे वन कैरी ओवर हो जाएगा ये हो जाएगा फोर प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस वन अलेवन वन हो जाएगा वन कैरियर हो जाएगा एट प्लस वन नाइन वन प्लस वन टू एंड ये थ्री तो थ्री ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन वन फाइव अगेन सब करना है ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू माइनस सेवेंटीन पॉइंट एट हमेशा ध्यान देना है डेसिमल पॉइंट लाइन में होने चाहिए ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू में सब करना है सेवनटीन पॉइंट एट राइट एंड साइड से स्टार्ट करेंगे टू है तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो कर लेंगे ये हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस एट फोर हो जाएगा यहाँ से हमने बोरो किया तो क्या बच गया सिक्स सिक्स माइनस सेवन नहीं हो सकता अगेन बोरो करेंगे ये हो जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस सेवन हो जाएगा नाइन यहाँ पे वन माइनस वन हो जाएगा जीरो तो ये हो जाएगा नाइन पॉइंट फोर फ्रॉम सेवन बोरो वन इज इक्वल टू टेन टेंस रीग्रुप एज एस सिक्स वन एंड टेन टेंस अंडरस्टैंड नेक्स्ट हमारा है 139.3 माइनस 48.244 139.3 को हम क्या लिख सकते हैं 139.300 यहाँ पे डेसिमल के बाद थ्री डिजिट है तो हमने यहाँ पे भी थ्री कर दी सेम डेसिमल कर दिए ना बोथ नंबर है थ्री डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट तो सब करेंगे 10 माइनस फोर सिक्स हो जाएगा 9 माइनस फोर फाइव टू माइनस टू ज़ीरो नाइन माइनस एट वन थर्टीन माइनस फोर क्या हो जाएगा नाइन और यहाँ पे आ जाएगा जीरो तो ये क्या हो जाएगा नाइन्टी वन पॉइंट जीरो फाइव सिक्स तो इस तरीके से हमें डेसिमल में एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है बस क्या बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए उनकी पोजिशंस का ध्यान रखना है और सेम जैसे सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही करना है सो so, ये क्वेश्चन जो है वो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न